हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बैक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शाओमी की तरफ से मी 12 स्मार्टफोन भारत में जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो चलिए इस फोन के बारे में, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन, फीचर, प्राइस भारत में क्या रहेगी, ये सारी बातें को इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी की स्पेसिस की बात कर ली जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें आपको 6.8 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, तो जिससे आप समझ गए होंगे कि इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया रहने वाली है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 120Hz की रेफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है, जो कि स्क्रीन को स्मूथ बनाती है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है। दोस्तों, साथ ही इसमें आपको इस गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी रियर कैमरा की बात करते हैं। दोस्तों, रियर में आपको 4 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 108MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 8MP का टेलीफोटो कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा। दोस्तों, फ्रंट में आपको 32MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इसके हिसाब से आपको रियर में काफी तगड़ा कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिससे आप समझ गए होंगे कि 108MP कैमरा काफी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, इसकी बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन भारत में सितंबर लॉन्च हो सकता है, जो इसकी कीमत है वो 69,990 रुपए रखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें।